ये क्लास फाइव का वीडियो है और मजमून उर्दू हम लोग सबक नंबर दो पढ़ने वाले बच्चों हम लोग सबक नंबर दो पढ़ने वाले जब मैं तालबे इल्म था सबक का नाम है जब मैं तालबे इल्म था गांधी जी कह रहे हैं गांधी जी अपने पढ़ाई के दौरान अपने बचपना का वाक्य बयान करते हैं अपनी कहानी बताते हैं कि मेरे वालिद करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे दीवान यानी मंत्री वह एक सच्चे हिम्मत और रहमदिल इंसान थे उनके वालिद जो थे एक सच्चे और रहमदिल इंसान थे और वह हमेशा ही हमेशा इंसाफ करते थे वह हमेशा क्या करते थे इंसाफ और गरीबों की मदद करते थे मेरी माँ का मिजाज बहुत अच्छा था वह मजहबी ख्याल की खातून थी बगैर पूजा पाठ किए कुछ नहीं खाती थी मतलब उनकी जो वालिदा थी उनकी माँ जो थी एक मजहबी ख्यालात की खातून थी और बगैर पूजा पाठ किए हुए खाती पीती नहीं थी दो अक्टूबर अठारह को पुरबंदर में मेरी विलादत हुई यानी गांधी जी दो अक्टूबर को और अठारह सौ ईस्वी को पैदा हुए मेरे वालिद पुरबंदर गुजरात यानी पुरबंदर यानी गुजरात राजकोट चले गए उस वक्त मेरी उम्र लगभग सात बरस थी जब वो गुजरात गए तो उस वक्त उनकी उम्र सात वर्ष थी मैंने वहाँ पर हाई स्कूल वहाँ पर हाई स्कूल तक तालीम हासिल की हाई स्कूल यानी दस क्लास तक मैं किसी लड़के या उस्ताद से कभी झूठ नहीं बोलता था गांधी जी की आदत थी कि वो किसी भी लड़के या उस्ताद से झूठ नहीं बोलते थे मैं बचपन में बहुत शर्मिला था गांधी जी बचपन में बहुत शर्मिला शर्मिला थे वह शर्माते थे एक दिन वालिद साहब शरवन पत्र भक्ति नाम की किताब खरीद कर लाए उनके जो वालिद साहब थे एक दिन क्या किए उन्हें एक किताब लाकर दी उस किताब का नाम था शरवन पत्र भक्ति जिसमें शरवण कुमार की कहानी लिखी हुई थी जो अपने बूढ़े माँ बाप को तीर्थ यात्रा ले गए थे किस तरह वही उस किताब का नाम था श्रवण पत्र भक्ति मैंने वह किताब बहुत ही शौक से पढ़ी मैंने अंधे माँ बाप को बहंगी पर बिठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार की तस्वीर देखी इस बात का मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा श्रवण कुमार जो था श्रवण कुमार बहुत ही अच्छा और अपने माँ बाप की इतना खिदमत किया कि हर इंसान उसकी मिसाल दिया करता है कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप के यानी उनकी जो माँ बाप थे कन अंधे 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 थे और वह तीर्थ यात्रा करना चाहते थे तो वो श्रवण कुमार जो थे श्रवण कुमार अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा बहंगी पर बैठा कर बहंगी एक तराजू की तरह था और वो कंधे पर रख करके लेकर तीर्थ यात्रा कराए थे मैंने सत, <coughs> मैंने सत्यवादी हरीश हरिश्च, हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था यानी हरिश्चंद्र नाटक भी उन्होंने देखा था उसे देखने की कोशिश बार बार हुई बार बार मेरे दिल में ये ये ख्याल आता कि सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सदाकत पर अमल करने वाले क्यों नहीं हुए यही बात दिल में घर कर गई कि अगर हर हरिश चंद्र की तरह भी तकलीफें उठानी पड़े तब भी सच सच को कभी नहीं छोड़ना चाहिए मतलब जब वो चंद्र की नाटक देखे तो उसमें खाली सच्चाई बयान की गई और उस चंद्र हरिश चंद्र में उसमें बहुत सारी मुसीबत झेलते रहे और मुसीबत झेल कर फिर भी उन्होंने सच्चाई को नहीं छोड़ा तो वही गांधी जी करे कि मेरे दिल में घर बना लिए और मैं भी चंद्र की तरह तकलीफ़ें उठानी पड़े तब भी मैं सच को नहीं छोड़ूंगा चाहे मुझे कितनी परेशानियां क्यों कि ना उठानी पड़े फिर भी वह सच के सामना करें सच को मतलब नहीं छोड़ेंगे मैंने किताबों में पढ़ा था कि खुली हवा तन टहलना तंदुरुस्ती के लिए मुफीद है वो कह रहा है कि मैं किताब में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना घूमना टहलना तंदुरुस्ती यानी के अच्छा होता है सेहत अच्छा होता है मुझे ये बात अच्छी लगी और मैंने सुबह को शेर करने की आदत बनाई वह सुबह अब शेर करने यानी तफरी घूमने लगे उससे मेरा जिस्म मजबूत हो गया उससे उनकी जिस्म मजबूत हो गई एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ मैं सोचता था कि लिखाई में हूर्फ अच्छे होने की जरूरत नहीं और ये ख्याल मेरे दिल में इंग्लैंड और ये ख्याल मेरे दिल में इंग्लैंड जाने के वक्त तक रहा मतलब वो अब कह रहे हैं कि एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ क्योंकि वो जब पढ़ाई करते थे लिखते थे तो उस वक्त ये सोचते थे कि लिखाई में हर्फ यानी तहरीर अच्छी होनी ज़रूरत नहीं और ये चीज़ को आज तक उन्होंने मतलब कहते इस चीज़ को सोचते तो पछताते जब तक वो इस चीज़ को सोचते बहुत ही दिल में उनको खटकता कि मैं काश मेरा भी राइटिंग अच्छी होती आगे चलकर जब मैंने दूसरों की मोती जैसे हर्फ देखे तो मैं बहुत पछताया तब मैं समझा कि हरूफ अच्छे न होना भी नामकम्ल तालीम कीत है अब उन्होंने क्या आगे चल के देखा कि दूसरे को राइटिंग को देखे तो बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग थी तो उन्होंने सोचा कि हरूफ हरूफ अच्छे न होने भी तालीम जो है मकमल नहीं है यानी अधूरी पढ़ाई की अमामत है अधूरी पढ़ाई की अलामत है बाद में हरूफ सुधारने की कोशिश भी कि मगर पक्के घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती है उन्होंने यहाँ पर मिसाल दिया कि मैंने कोशिश की लेकिन पक्के घड़े यानी घड़ा जो पक गया उस पर मिट्टी कैसे लगाया जाए क्योंकि उनकी जो आदत बन चुकी थी वो अब नहीं सुधरा लिखाई की मश्क तालीम का अहम हिस्सा है इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए ड्राइंग सीखना चाहिए हमें क्या सीखना चाहिए ड्राइंग इस तरीके को अपनाने अपनाने से बच्चे की रूप मोती जैसे हो जाती है मैं हमेशा ऐसा काम ऐसे कामों में ऐसे कामों से बचता था जिसके लिए मुझे सज़ा मिलती थी मतलब ये ड्राइंग करना अगर ये घूमना ये सब उनको अच्छा नहीं लगता ये बचते थे जिसकी वजह से उन्हें सजा मिलती थी एक दफ़ा मुझे सज़ा दी गई तो बहुत अफसोस हुआ जब उन्हें एक बार सजा दी तो क्या हुआ अफ़सोस उन्हें हुआ ये बात पहली या दूसरी जमात यानी पहला या दूसरी दूसरा क्लास की है दूसरी बात सातवीं जमात की है यानी सात क्लास वह ये कि हेड मास्टर साहब बड़े सख्त वसूल वाले थे यानी वो बहुत ही सख्त वसूल यानी उनकी जो यान रूल्स था बहुत ही वो अपने रूल्स पे एकदम कायम रहते थे फिर भी तलबा उन्हें अजीज रखते थे फिर भी तलबा उन्हें मानते थे अच्छे आदमी थे और अच्छा पढ़ाते थे बड़े दर्जों में उन्होंने कसरत और क्रिकेट कसरत और क्रिकेट को लाजमी कर दिया यानी जब दार सात क्लास में थे बड़े ऊंचे क्लास के स्टूडेंट को सीनियर को मतलब वो उसमें क्या रूटीन के लगा दिए रूटीन में कि कसरत और क्रिकेट लाजमी कर दिया यानी ज़रूरी अब खेलना है क्रिकेट भी और कसरत भी करना है और क्रिकेट भी खेलना कसरत की कोई अहमियत ना समझ कर शर्मीले मिजाज की वजह से और वालिद साहब की खिदमत से वक्त ना मिलने की सबब भी मैं उन चीज़ों में शिरकत ना हो सका मतलब वो कहते शर्मिले मिजाज के थे और अपने वालिद की खिदमत में और उसमें वो ज़रूरी अहमियत उनका नहीं समझा और उस चीज़ को उसमें शरीक नहीं हो पाया शिरकत नहीं हो पाया। मैं मैंने कसरत से छुटकारा पाने की दरख्वास्त दी मगर हेड मास्टर मानने वाले नहीं थे उन्होंने कसरत सोच की हम कसरत नहीं करेंगे उन्होंने दरखास्त भी दी लेकिन हेड मास्टर नहीं माने एक बार हफ्ते एक बार हफ्ते का दिन था सुबह को स्कूल खुलता था शाम को जा जा चार बजे कसरत के लिए जाना था मतलब सुबह को स्कूल खुलता था और चार बजे कसरत का टाइमिंग था कि चार बजे कसरत करना जाना है मेरे पास घड़ी नहीं थी अब गांधी जी के पास क्या नहीं था घड़ी नहीं थी और आसमान पर भी बादल थे और आसमान पर भी बादल थे जिससे आदमी पता नहीं कर सकता है कि कितना टाइम हो रहा है इसलिए वक्त का धोखा हो गया इसलिए वो टाइमिंग पता नहीं चला और उनके धोखा हो गया जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी जब वो उन्होंने पहुंचा तो क्या हुआ देर हो चुकी थी दूसरे दिन देर होने की वजह पूछी गई देर होने की वजह पूछी गई वजह में मैंने साफ साफ बता दी अब जो वजह थी गांधी जी ने साफ साफ बता दिया मगर उन्होंने उसको नहीं माना लेकिन हेड मास्टर जो थे वो नहीं माने इस के लिए मुझे ठीक तो याद नहीं मगर कुछ जुर्माना दिया पड़ा यानी उनको कुछ जुर्माना दिया पड़ा जब वो शिरकत नहीं हो पाए कसरत में तो उन्हें जुर्माना दिया गया फ़ाइन यानी दिया गया मैं छोटा बना इस झूठा बना इसलिए बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने झूठा बना तो उन्हें दुख हुआ खुद को सच्चा साबित करने का मेरे पास कोई रास्ता न था अब उन्हें सच्चा साबित करने के लिए अपने आप को उन्हें रास्ता उनके पास कोई रास्ता नहीं था मैं बाद में समझ पाया कि सच बोलने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए यानी सच सच्चाई के साथ सबूत होना मेरे लिए जरूरी बोलने से सिर्फ काम नहीं चलता इसीलिए मेरा सबूत होना भी ज़रूरी होता है तो ये थी गांधी जी के तो पढ़ाई करने के दौरान का वाक्य कहानी बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हमें भी हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए इसमें गांधी जी अपने बचपना में बताएं कि हम किसी भी लड़के या उस्ताद से झूठ नहीं बोलते थे हमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें हर चीज़ को और राइटिंग सुधारने की कोशिश भी करनी चाहिए इस कहानी में उन्होंने ये भी कहा कि राइटिंग जो है हमारी अगर अच्छी नहीं है तो पढ़ाई मेरी मुकम्मल नहीं है इसलिए पढ़ाई के लिए लिखने के लिए पढ़ाई मुकम्मल होने की ज़रूरत में अगर जिसकी राइटिंग अच्छी है उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई इसलिए राइटिंग भी हमें सुधारनी चाहिए शुक्रिया खुदा हाफिज़